हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। चलिए क्विकली इस मंथ के करंट अफेयर्स रैप अप करते हैं। तो पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। यूनाइटेड नेशंस के लिए इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंद्रमणि पांडे, ये राजीव के चंदर को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट इन ज्योति श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इन ज्योति श्रीनिवास का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एंड कंपनीज एक्ट में मेजर रिफॉर्म्स लाने में सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक का न्यू वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ये पोजीशन वो अपने करंट जॉब से रिजाइन करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो अपना जॉब रिजाइन नहीं करते तो वो इंडिया के नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते। इसके बाद ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेते हैं। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO हैं PC कंडपाल। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO है प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता और टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के नए MD एंड CEO है नवीन तहिल्यानी। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए डायरेक्टर जनरल है संजय द्विवेदी और तुर्कमेनिस्तान के लिए इंडिया के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं विधु नायर और HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरमैन है रोशनी नाडर मल्होत्रा। ये HCL के फाउंडर शिव नाडर की बेटी है और 2019 फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में वो 54th नंबर पर आई है। दूसरी कैटेगरी है इम्पोर्टेंट रैंकिंग की। तो जुलाई मंथ से हमने तीन इम्पोर्टेंट रैंकिंग सेलेक्ट की है। पहली है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC ने ग्लोबल राइट्स इंडेक्स रिलीज किया है जो 144 कंट्रीज को उनके वर्कर राइट्स पर रैंक करता है, जिसमें इंडिया 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल की लिस्ट में आई है। इसके लिए दो मेजर इंसिडेंट साइट किए गए हैं। पहला है 2019 में हुआ तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन केस, जिसमें उनके हजारों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें अरेस्ट किया गया था। और दूसरा केस है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, जहां पे 48,000 एम्प्लॉइज जो बेटर रिटायरमेंट कंडीशंस के लिए स्ट्राइक पर थे उन्हें डिसमिस कर दिया गया था बिना उनके राइट्स को एड्रेस किए। दूसरी रैंकिंग है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। ये इंडेक्स 48 कंट्रीज को इन तीन सिनारियोज में रैंक करती है, बेसलाइन सिनारियो, कॉस्ट सिनारियो और रिस्क सिनारियो। इस रैंकिंग से मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है, ज्यादा प्रिफर की जाती है, ये पता चलता है। तो बेसलाइन और कॉस्ट सिनारियो में इंडिया 3rd रैंक पर, वहीं रिस्क सिनारियो में इंडिया 30th रैंक पर है। तीसरी रैंकिंग है वर्ल्ड मोस्ट सर्विलियंट सिटी 2020, जिसमें टॉप 50 सिटीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में पहले नंबर पे आई है चाइना की ताइवान सिटी। वहीं इंडिया की तीन सिटीज जो इस लिस्ट में आई है वो है हैदराबाद जो 16th रैंक पर है, चेन्नई जो 21st रैंक पर है और दिल्ली जो 33rd रैंक पर है। इस रैंकिंग में फोकस किया गया है पब्लिक CCTV पर जो गवर्नमेंट एंटिटीज यूज करती है लॉ एनफोर्समेंट के लिए। कुछ कंट्रीज जिनसे डाटा नहीं मिल पाया है उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स की, जिसमें हम 8 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो पहला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतार होस्ट करेगी और ये होगा 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। किसी अरब कंट्री में होने वाला ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट रविंद्र जडेजा को विजडन इंडिया ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी चुना है, जिसके लिए उन्होंने क्रिकविज नाम का एक डिटेल्ड एनालिसिस टूल यूज किया है। इसके बाद चाइना के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और 2 times ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। नेक्स्ट चेन्नई के जी आकाश बने हैं इंडिया के 66th चेस ग्रैंड मास्टर और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन होगा हरियाणा में। इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स में अपने 100 इयर्स ऑफ पार्टिसिपेशन को कमेमोरेट करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक न्यू लोगो अडॉप्ट किया है। इस लोगो का स्पेशल लॉन्च 15 अगस्त को करेंगे। नेक्स्ट ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2020 जो बिना किसी स्पेक्टेटर के ऑर्गेनाइज किया था ये जीता है फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने। वहीं हंगेरियन ग्रैंड प्री 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हमारी चौथी कैटेगरी है अवार्ड्स की, जिसमें हम 8 अवार्ड्स को कवर करेंगे। पहला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 जो इंडिया का
हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है। ये अवार्ड मिला है अरुणाचल प्रदेश के केजांग डे थोंगडॉक को उनकी हनी हंटिंग पे डॉक्यूमेंट्री छी लूपो के लिए। इसके बाद है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जो चार लोगों को मिला है, बांग्लादेश के शाहिदुल अलम, ईरान के मोहम्मद मोसाइद, नाइजीरिया के डापो ओलोरन ग्योमी और रशिया की स्वेतलाना प्रोकोपिएवा को। लॉयर अमाल क्लूनी को भी ग्वेन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके बाद आता है गुलबेंकियन प्राइस फॉर ह्यूमैनिटी जो स्वीडन की 17 साल की क्लाइमेट एक्ट्रेस ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नेल्सन मंडेला प्राइज जो मिला है मोरिसाना कुवेते और मरियाना वार्दिनो यानिस को। ये अवार्ड 5 साल में एक बार दिया जाता है और ये उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने अपनी लाइफ ह्यूमैनिटी को डेडिकेट की है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का वॉन कर्मन अवार्ड जो मिला है इसरो चीफ के सिवन को। ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो मिला है टाटा ग्रुप चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ एंड प्रेसिडेंट जिम टाइसलेट को। ये अवार्ड उन टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है जो यूएस और इंडिया के कमर्शियल कॉरिडोर में ग्रोथ के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जो मिला है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी ने वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा नाम की 5 डेज क्लीन गंगा अवेयरनेस यात्रा शुरू की थी। और लास्ट है मोहन बागन रत्न अवार्ड 2020 जो मिला है हॉकी लेजेंड गुरबख सिंह और फॉर्मर क्रिकेटर पलाश नंदी को। नेक्स्ट कैटेगरी में हमने पूरे महीने के कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पिक किए हैं। तो सिक्योरिटी रीजंस के चलते मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A में अपनी पावर्स को यूज करते हुए 59 चाइनीज एप्स को बैन किया है। तो 59 और 69A ऐसे रिलेट कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं रफाल डील की। तो 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन को 36 रफाल जेट्स का ऑर्डर दिया था। ये डील 59,000 करोड़ की थी। 36 में से 5 रफाल जेट्स 29 जुलाई को इंडिया पहुंच चुके हैं। बचे हुए 31 जेट्स 2021 तक डिलीवर किए जाएंगे। एशिया का लार्जेस्ट सोलार पावर प्रोजेक्ट रेवा सोलार प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है मध्य प्रदेश में। इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये 750 मेगावाट अल्ट्रा सोलार पावर प्लांट है जिससे 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हर साल कम होंगे। इस प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट अवार्ड भी रिसीव किया है और इस प्रोजेक्ट का मेंशन आपको प्राइम मिनिस्टर की बुक अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स में भी मिलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का पहला ई लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट ग्रीवियंस मैकेनिज्म होता है। तो छत्तीसगढ़ की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ई लोक अदालत। इसे इनॉग्रेट किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ऑपरेशनलाइज्ड मेगा फूड पार्क मिजोरम में, जोरम मेगा फूड पार्क। ये प्रोजेक्ट 5,000 से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया श्रीलंका में पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेगी। इस प्रोजेक्ट में इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन यूटिलिटी एनटीपीएससी लिमिटेड और इंटरनेशनल सोलार अलायंस साथ में काम करेंगे। नेक्स्ट 14 जुलाई को राजस्थान में सचिन पायलट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिए गए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट में चल रहे डिफरेंसेस के कारण करेंटली राजस्थान गवर्नमेंट क्राइसिस में है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे न्यूली स्टार्टेड करंट अफेयर्स 2020 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इस साल के जून से लेकर जून 2021 तक के करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन इजी फॉर्मेट में और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे। हर मंथ के हॉट टॉपिक्स पर एनालिसिस मिलेगा और इम्पोर्टेंट ईयरली कंपाइलेशन भी मिलेगी जैसे रैंकिंग, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, रीसेंट केसेस एटसेट्रा। इसके साथ ही मंथली क्विज भी मिला करेंगे। इस कोर्स की सारी जानकारी आपको ऊपर लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारे रीसेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर या मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।